इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की खूबरू अदाकारा फिल्म स्टार निर्मा। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ईद की तैयारियां कितनी मुकम्मल हो गई हैं और इसके साथ साथ इस छोटी और मीठी ईद पर वो अपने चाहने वालों को क्या तोहफा देने जा रही हैं, कहां पर परफॉर्म करेंगी, परफॉर्मेंस की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, रिहर्सल जारी है, ये तमाम सवाल के जवाब निर्मा जी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वस्सलाम मैडम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। कितनी ईद की तैयारियां हो? ईद की तैयारियां हमेशा की तरह जैसे होती हैं वो हैं, और इस बार एक्चुअली आई बी परफॉर्मिंग एट तमसील, सो तमसील टू प्रॉबली राइट, आई डोंट नो, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ वेन्यू ऑफ मिस्टर कैसर सनाउल्लाह, जो प्रोड्यूसर हैं हमारे इस ड्रामा के। उन्होंने बोला है कि उन्होंने तमसील टू के नाम से एक और वेन्यू जो है वो क्रिएट किया है, वहाँ पर हम शो करेंगे। अर्लियर था कि हम यहाँ पे परफॉर्म करें, अब हम वहाँ पर करेंगे, बट इट इज़ फॉर कैसर सनाउल्लाह जी, इज़ द प्रोड्यूसर एंड आई हैव गॉट साइंड अप बाय सखी सर्वर। मैम, कितनी तैयारियाँ हो गई हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस का आपके चाहने वालों को बड़ा इंतज़ार होता है और 3 साल के तवील अरसे के बाद आप दोबारा परफॉर्म कर रही हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा। Well, my performances are always up to my standards, you know. आप जो काम करते हैं, चाहे वो मूवी एक्टिंग है, चाहे वो मॉडलिंग है, चाहे वो स्टेज परफॉर्मेंसेज हैं, वो ये नहीं होता कि कभी आपने एक तरह की कर ली। आपका अपने एक स्टैंडर्ड होता है, पता होता है कि इस तरह का काम ये करती हैं। सो आई हैड बीन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला इज़ बीन इनफ काइंड टू मी कि मुझे हमेशा अच्छी टीम मिलती है अच्छे आइडियाज़ के साथ, और मेरा हमेशा से अच्छा उसी तरह का जो एक परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड है वो रहता है। तो इस बार भी समथिंग बेटर एंड लाइक दैट अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, ईद के हवाले से आते हैं, ईद की शॉपिंग कितनी मुकम्मल हो गई और कितनी रहती है? वेल, ईद की शॉपिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोदिंग कपड़े मेरे बाबू भाई इज डिज़ाइनिंग ऑल द क्लोथ्स, तो वो ऑलरेडी देयर सो मच टू यू नो शॉप अराउंड एंड यू नो इट्स नॉट मी, माई डिज़ाइनर इज़ डूइंग ऑल दैट। मैम, बचपन में ईद मनाने का ज़्यादा मज़ा आता था या अब ज़्यादा, अब फैंस भी होते हैं और फिर इसके साथ साथ एक नाम भी बड़ा होता है तो सारी चीज़ें, और बचपन में जो ईद होती है उसका एक अपना अलग से मज़ा होता है, तो किसका ज़्यादा मज़ा? Fortunately, I became star. I grew up as a star, like I started off quite early, so I think every Eid has its special happiness and all the blessings, and you know I'm thankful to God, I'm blessed, alhamdulillah. आखिर में मैम क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को? Keep loving me and God is great. थैंक यू मैम। जी, आपने फिल्म स्टार निर्मा की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बताया कि वो ईद के रोज़ से तमासील 2 में परफॉर्म करेंगी। इसके साथ साथ उन्होंने अपने बचपन की ईद के हवाले से भी मेमोरीज शेयर की है और अपने मदाहों से अपील की है कि जिस तरह से वो पहले उनसे प्यार करते रहें इसी तरह से करते रहें।